कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे 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 हरे कृष्ण राधे राधे। हम पहुंच गए हैं श्री मथुरा धाम और बस अभी उतरी है ट्रेन से और अब जाएंगे वृंदावन की तरफ। बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग को देखने के लिए। राधे राधे जैसा कि आप देख सकते हैं हम निकल चुके हैं मथुरा रेलवे स्टेशन से वृंदावन की ओर। जी हाँ, और हमने किया है ये रिक्शा जिसमें हम पांचों के पांच एडजस्ट होकर बैठ गए हैं। प्रभु जी और मैं आगे बैठे हैं और मम्मी पापा और देविका पीछे एडजस्ट हो चुके हैं और हमारा जो सारा सामान है वो हमने रिक्शे के ऊपर डाल दिया है और जो छोटे मोटे बैग्स थे हमारे साथ वो हमने पीछे डाल दिया है। और खाते पीते हंसते खेलते और भजन कीर्तन सुनते गाते हम चले वृंदावन की ओर। और हमारे जो ड्राइवर भैया थे वो बहुत ही अच्छे थे, हमें चुटकुले सुना रहे थे, हंसा रहे थे और ब्रज की लीलाएं सुना रहे थे, जिससे हमारा टाइम बड़ी जल्दी बीत गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं काफी सारी सिक्योरिटीज खड़ी हैं, पुलिस खड़े हैं, ये सब अपनी ड्यूटी दे रहे थे क्योंकि होली का त्योहार चल रहा था। और आप जानते ही हैं कि सिर्फ देश से नहीं विदेशों से भी पूरे देश भर की जो संख्या है वो वृंदावन में आके जमा होती है भक्तों की होली का त्योहार मनाने के लिए, जो बड़ी धूमधाम से केवल और केवल वृंदावन में मनाई जाती है। तो इस तरह से लोग ट्रैवल कर रहे थे वहां पर। आज तक इससे पहले हमने कभी भी वृंदावन में जाकर होली नहीं मनाई है, तो ये हम सभी का पहला होली का त्योहार जो हम वृंदावन में मनाने जा रहे हैं। इसे राधा रानी की साक्षात कृपा ही मानेंगे क्योंकि ये जो आनंद है, ये जो तजुर्बा हमने लिया, ये बहुत ही खास था, बहुत ही प्यारा था और उनकी कृपा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं होता। इसलिए हम हमारी लाडली जी का तहे दिल से धन्यवाद करते करते उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मथुरा से जब आप निकलते हैं तो वृंदावन तक पहुंचने तक बीच में आपको कई सारे मंदिर दिखाई देंगे, कुछ छोटे कुछ बड़े, बहुत सारे मंदिरों के दर्शन आपको मिल सकते हैं। अगर आप चाहें तो उतरकर वहां दर्शन करने जा सकते हैं या फिर आप जस्ट ऑन द वे ही प्रणाम कर सकते हैं। हर जगह पर काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी थी और पुलिस खड़ी थी, जिसकी वजह से काफी सारे रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए थे और इसलिए हमें ये शॉर्टकट रास्ता अपनाना पड़ा जहां से हमारी रिक्शा जा रही है। ये रास्ता बिल्कुल रेलवे ट्रैक के लेफ्ट साइड में आता है जहां पे आप देख सकते हैं कोई भी सड़क नहीं है, लेकिन हमारी रिक्शा चल रही है ब्रज रज के ऊपर, जिसकी वजह से काफी डस्ट उड़ रही थी, लेकिन फिर भी हम आनंद में थे। देख सकते हैं हम किस तरह से खिलखिला रहे हैं। ये रिक्शे वाले भैया बहुत ही कमाल के थे, इन्होंने हमारा बहुत मनोरंजन कराया और हमें तकलीफ का आभास नहीं होने दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं रास्ता काफी ज्यादा खराब था, कोई भी रिक्शा एक सीधी लाइन में नहीं चल रही है, जहां से भी मैनेजेबल है राइट लेफ्ट आड़ा टेढ़ा वो वैसे चला रहे हैं और ऐसे में रिक्शा चलाना काफी ज्यादा डेंजरस होता है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठाकुर जी ने ही इन्हें हमारे साथ भेजा था, जिन्होंने हमें सही सलामत हमारी मंजिल तक पहुंचाया और इनको तहे दिल से धन्यवाद है। और इनके साथ हमारा सफर यहीं पे खत्म होता है। अब यहाँ से आगे हम बुक करेंगे एक साइकिल रिक्शा और पहुँचेंगे अपने आश्रम पर। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राधे राधे जपा करो।
क्योंकि इस्कॉन मंदिर यहाँ से काफी ज्यादा पास में है, तो अब हम चलेंगे इस्कॉन मंदिर। हम रूम पर आए, हमने चेंज किया, रेडी हुए और अब हम चलते हैं इस्कॉन मंदिर दर्शन के लिए। तो चलिए। माखन चोर से राम
हम है इस्कॉन टेम्पल वृंदावन, जिसका नाम है श्री 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 कृष्ण कृष्ण बलराम टेम्पल बलराम टेम्पल। यस, तो अभी हम अंदर गए थे, बहुत अच्छा सुंदर कीर्तन हो रहा था और सबने, क्योंकि होली चल रही है, होली सीजन सब है, कलरफुल दिख रहे थे एकदम, तो सब एकदम कलरफुल कलरफुल दिख रहे हैं। और ये मेरी लाइफ की फर्स्ट होली है। शी डजंट लाइक टू प्ले होली एट ऑल बिकॉज कलर्स एंड ये सब उसको बहुत स्कैरी लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है एंड वी आर फीलिंग ग्रेटफुल। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस राधा रानी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मेरी लाइफ की पहली होली और इतना मुझे ऐसा लग रहा है टारगेट किया जा रहा है कि भाई तुमने कभी खेली नहीं ले आज इधर इधर रोड जा रहा है आप देख रहे हो ललिताश्रम के सामने। हाँ बेटा एंजॉय होली है होली है फर्स्ट टाइम इन वृंदावन ललिताश्रम की तरफ तो इस्कॉन से निकल के अब हम जा रहे हैं श्री श्री राधा कुंज आश्रम में एकादशी महाप्रसाद पाने के लिए। और वहां पे बनती है मेरी एक बहुत ही प्यारी न्यू फ्रेंड जिनका नाम था इंदुलेखा, जो कि रशियन डिवोटी थी। और मैं जब प्रसाद पा रही थी तो वो काफी देर से मुझे देख रही थी। जब मैं हैंड वॉश करने के लिए उठी तो वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा मुझे अपने फेसबुक पेज के लिए एक वीडियो बनाना है जिसमें मैं आपको पूछूंगी यहाँ का प्रसाद आपको कैसा लगा, तो क्या आप मेरे साथ एक वीडियो बनाएंगी। मैंने कहा क्यों नहीं, जरूर। जवाब में मैं उनको बताती हूँ कि यहाँ का प्रसाद बहुत ही गजब रहा। ये क्योंकि एकादशी का प्रसाद है इसलिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना स्वादिष्ट होगा। यहाँ के प्रसाद ने न केवल हमारी भूख मिटाई बल्कि हमारी आत्मा को भी तृप्त किया। हरे कृष्ण जी, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट प्रसाद ऑफ श्री राधा कुंज आश्रम? We have had the most delicious and wonderful prasadam ever, and since today is Ekadashi, so you can assume how tasty, how delicious it would have been. And definitely this prasadam that we have had has not only satisfied our body, our hunger, but also our soul. इंदुलेखा से मेरी लगभग 15 से 20 मिनट बातें हुई जहां पे वो मुझे अपने फेसबुक पेज के बारे में बता रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मौका मिला है तो मैं भी उनसे एक सवाल कर ही लूं, तो कुछ सवाल मैंने भी उनसे पूछे थे। यहाँ मैं इंदुलेखा से पूछ रही हूँ कि आप हमें रशिया या रशियन भक्तों के बारे में कुछ बताइए। जवाब में इंदुलेखा बताती है कि हम रशियंस भारत से बहुत प्रेम करते हैं, हम भारत को अपना घर ही मानते हैं, यहाँ से बाहर निकलकर जाने का हमारा बिल्कुल मन नहीं करता। जो भी भक्त यहाँ आते हैं वो कम से कम 10 से 15 सालों तक तो यहाँ रहते ही हैं, लेकिन जब वापस लौटकर हमें वीजा बनाने के लिए जाना पड़ता है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो धार्मिक और आध्यात्मिक है, इसलिए भारत से हमारा रिश्ता जो है वो काफी ज्यादा गहरा है और काफी स्पेशल है। And they like be open, they like, you know, starting real, in real life.
because these have open heart and sweet heart. I didn't know they were so sweet. Anymore. so sweet. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. खुशबू होगी वो आ रही है फिलहाल, बहुत मीठी मीठी खुशबू आ रही है इन गुलाबों की, पंखुड़ियों की। इतना मीठा होगा शायद ये कि देखिए इसे मधुमक्खियां लहरा रही है, देख सकते हैं आप मधुमक्खियां किस तरह से इसका रस निकाल रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही मीठा है एक्चुअली, इसकी खुशबू बहुत मीठी आ रही है। हरी बोल, शायद ये बाकी बिहारी जी के लिए। तो दिन भर के थके हुए हम आए रूम पर, थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद हम चले इस्कॉन की तरफ शाम को संध्या आरती अटेंड करने के लिए। तो रेडी हो ही चुके थे, मैं प्रभु जी को ढूंढ रही थी, कहीं दिख नहीं रहे थे। तो जिस आश्रम में हम रुके हुए थे वहीं नीचे आकर मैंने देखा ग्राउंड फ्लोर पर, तो प्रभु जी यहां आश्रम का मंदिर सजा रहे थे, भगवान का श्रृंगार कर रहे थे। तो मैंने देखा और मैंने भी उनका हाथ बटाया और जो फूल हमने इस्कॉन टेम्पल के बाहर से खरीदे थे उन्हीं फूलों से भगवान का श्रृंगार किया और फिर हम चले इस्कॉन। संध्या आरती अटेंड करने के बाद हम आए एकादशी महाप्रसाद पाने के लिए, कितना सुंदर प्रसाद है देखिए। और प्रसाद लेने के बाद हम चले वापस अपने रूम पर। हम फिर से आ गए माखन चोर से मिलने के लिए, हरी बोल। और अब हम निकलने वाले हैं, वापस रूम पे जाएंगे और आराम करके कल सुबह के लिए प्लानिंग करेंगे कल का दिन कैसा होगा। मे बी बरसाना जाएंगे या फिर यहीं वृंदावन में, कल फूलों की होली है तो यहाँ पे आनंद लेंगे, दर्शन करेंगे। तो क्या अभी प्लान करने वाले हैं। बंदर है बहुत सारे, आई कांट शूट। बाय 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 बाय, हरी बोल।